सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट 9 to power n plus 1 minus 8n minus 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहें या नेचुरल नंबर कहें, बात वही है। यानी आपको ये करना है कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 ये 64 से डिविजिबल है। एक तो हमने बताया गया, ऐसे क्वेश्चन आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़े, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम से आपसे कहा गया, जरा समझिएगा। 64 से डिविजिबल का मतलब क्या होगा, अगर ये नंबर सॉल्व होकर के 64 इंटू कोई इंटीजर आ जाए तो ये नंबर 64 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हम चाहते हैं इसको सॉल्व करें और 64 कॉमन हो जाए और अंदर इंटीजर कोई बच जाए, तो 64 लाना पड़ेगा ना। तो 64 किसके पास है ढूंढना पड़ेगा। अच्छा चाची तुम वहाँ बैठी हो, देखो चाचा के पास चाची बैठी है, तो हमको देखना पड़ेगा ना चाची कहाँ बैठी है, 64 है किसके पास। देखो ध्यान से, 9 की पावर n प्लस 1 को 9 की पावर n इंटू 9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत। और मैंने इस 9 को छोड़ दिया, इस 9 को लिख दिया 1 प्लस 8, क्योंकि 8 के पास 64 था हमारे पास, है ना, बस काम खत्म। इसको x प्लस a की पावर n से खोल दिया, n c 0, 8 की पावर 0, क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, n c 1, 8 की पावर 1, प्लस एन सी 2, 8 की पावर 2, प्लस एन सी 3, 8 की पावर 3, लास्ट में एन सी एन 8 की पावर n, और माइनस का 8n माइनस का 1, 9, ये 1 होता है, एन सी 1 n इंटू 8 हो जाएगा, इसको नहीं खोलेंगे, एन सी 2, क्योंकि 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहां से, एन सी 3, 8 क्यूब, लास्ट में एन सी एन 8 की पावर n, और माइनस 8n माइनस 1। अभी 64 कॉमन कहीं दिख नहीं रहा, तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, खोलो, तो आएगा 9 प्लस 9 72, 72n प्लस 9 इंटू एन सी 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 9 इंटू एन सी 3 इंटू 8 क्यूब प्लस सो ऑन, 9 इंटू एन सी एन इंटू 8 पावर n माइनस 8n माइनस 1। यहां तक बात समझ में आ गई, शायद माइनस 9 है, गलत से 1 लिख गए, ये माइनस का 9 है, ये 9 से 9 कट गया, अभी भी 64 कहीं से कॉमन नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है कॉमन, लेकिन वो रास्ते से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो 72n माइनस 8n करोगे तो 64n ही आएगा ना, तो इसको कह दिया 64n प्लस 9 इंटू एन सी 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 9 इंटू एन सी 3 इंटू 8 क्यूब, लास्ट में आएगा 9 इंटू एन सी एन इंटू 8 पावर n। अब तो 64 कॉमन हो गया, नहीं हो गया, यहां से n कॉमन हो सकता है, जरूरत नहीं है, 9 इंटू एन सी 2 दो पावर कम हो जाएगी, 9 इंटू एन सी 3 इंटू 8 पावर 1 बचेगी, और लास्ट में 9 इंटू एन सी एन इंटू 8 पावर 2 पावर कम हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो नेचुरल नंबर ही आता है, तो ये एक इंटीजर होगा, 64 इंटू इंटीजर, यानी ये कुछ 64 लैम्डा के टर्म में आएगा। अब अगर 64 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट इट इज डिविजिबल बाई बाई 64 हो गया। ये आपसे प्रूफ करवा रहा था, ये हमने एकेडमिक में भी पढ़ा है, जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने ईजी, लेकिन अब बेसिक है, आ भी सकते हैं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसका।